नमस्कार। दिल्ली सरकार ने फंड की कमी का हवाला देते हुए छात्रों की परीक्षा फीस के लिए पैसे जुटाने की कोशिश। दिल्ली सरकार के स्कूल स्टेक होल्डर्स आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की CBSE की परीक्षा की फीस के भुगतान के तरीके खोज रहे हैं, जिससे इन छात्रों की मदद की जा सके और स्कूलों द्वारा उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट भेजे जाने से पहले 15 अक्टूबर से पूर्व उनकी फीस का भुगतान किया जा सके। पिछले साल 10वीं और 12वीं के छात्रों की CBSE परीक्षा शुल्क को काफी बढ़ा दिया गया था। उस दौरान दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि सरकारी स्कूलों के छात्रों की पूरी परीक्षा फीस दिल्ली सरकार भरेगी। इस साल फंड की कमी का हवाला देते हुए सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और कहा जा रहा है कि छात्रों को खुद ही अपनी परीक्षा फीस जमा करनी होगी, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली गुंजन गवर्नमेंट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और बुरारी ने एक गर्ल्स स्कूल की SMC सदस्यों ने मिलकर अब तक 15 से ज्यादा छात्रों को उनकी फीस भरने में मदद की है। यह मदद राशि 1800 रुपए से 2500 रुपए तक हो सकती है। आर्थिक रूप से परेशान छात्रों की परीक्षा फीस भरने में मदद। उन्होंने कहा कि स्कूल में अभिभावकों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। कुछ अभिभावकों ने उनसे संपर्क किया है और कहा है कि वे परीक्षा की फीस नहीं भर सकते। उन्होंने बताया कि पहले तो अभिभावकों से कहा गया कि उन्हें फीस खुद ही भरनी होगी, लेकिन एक दिन पहले एक परेशान परिवार स्कूल में आया, जिसके बाद उन्होंने हर बच्चे की फीस के लिए 500 रुपए का भुगतान किया। उन्होंने बताया कि उन्हें गोंडा, गोकलपुर और करावल नगर जैसे इलाकों के गरीब परिवारों की जानकारी मिली है, जिसके बाद उन्होंने 12 से 13 छात्रों के लिए दानदाताओं, व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, अमीर लोगों की मदद से गरीब बच्चों के लिए फीस इकट्ठा की। स्कूलों के प्रधानाचार्य भी बच्चों की फीस के लिए पैसा जुटा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली स्कूल के एक प्रिंसिपल ने कहा है कि उन्होंने फीस के लिए छात्रों को एक ओपन ऑफर दिया है। फीस भरने के लिए परेशान छात्रों की मदद करेगा स्कूल। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा है कि अब तक करीब 90% छात्र अपनी फीस भर चुके हैं। अगर कोई भी बच्चा आगे आता है और कहता है कि वह फीस नहीं भर सकता है, उसकी क्लास टीचर यह वेरीफाई करते हैं कि बच्चा फीस को लेकर बहुत परेशान है, तो वह बच्चे की फीस भरने के लिए कोई और तरीका सोचेंगे। उन्होंने कहा कि 6 बच्चों ने आगे आकर बताया कि वह फीस नहीं भर सकते, जिसके बाद सभी शिक्षकों ने आपस में पैसे इकट्ठा किया और इसके बाद स्कूल के प्यूपिल वेलफेयर फंड का भी उपयोग किया जाएगा। रोहिणी के सेक्टर 8 के गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल बच्चों की फीस भरने में मदद के लिए अपने बैचमेट्स के पास पहुंचे, ताकि फीस के लिए फंड जुटाया जा सके। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा क्राउड फंड फीस की एक और कोशिश की जा रही है, जिसमें सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए लोगों से छात्रों की फीस भरने में मदद की अपील की जा रही है। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताज़ातरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।